नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स की इस नई वीडियो में। आज हम 24x4 ग्राफिकल LCD डिस्प्ले मॉड्यूल को आर्डुइनो यूनो के साथ इंटरफेस करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ग्राफिकल LCD डिस्प्ले मॉड्यूल है और ये हमारा आर्डुइनो यूनो बोर्ड है। ग्राफिकल मॉड्यूल के पिछले तरफ आप देख पाएंगे, ये हमारा I2C डिस्प्ले अडेप्टर मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल हमारे सीरियल ग्राफिक डिस्प्ले को I2C कम्युनिकेशन में बदल देता है, जिससे कि हमें ज्यादा पिंस की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल 4 पिंस में हमारा डिस्प्ले काम करता है। तो अभी आप पिंस को समझिए। ये हमारा ग्राउंड पिन है, ये हमारा पॉजिटिव पिन है और ये हमारा SDA पिन और SCL पिन है, जो कि हमारे I2C कम्युनिकेशन में उपयोग किए जाते हैं। तो आइए अब इनके कनेक्शन हम आर्डुइनो के साथ देखते हैं। VCC पिन को आर्डुइनो के 5 वोल्ट पिन के साथ जोड़ा गया है, जबकि ग्राउंड पिन को आर्डुइनो के ग्राउंड पिन के साथ जोड़ा गया है और SDA पिन को आर्डुइनो के SDA और SCL पिन को आर्डुइनो के SCL पिन के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि आर्डुइनो में SDA और SCL का केवल एक ही पेयर मिलता है। तो चलिए अब हम इसमें कोड अपलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कोड ओपन कर लिया है। तो हमारा कोड कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड किया है। उसके बाद लाइब्रेरी फाइल का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसमें हमने अपने डिस्प्ले मॉड्यूल का एड्रेस दिया है। उसके बाद हमने कुछ कमांड्स का उपयोग किया है, जिनका उपयोग करते हुए हम कुछ शब्दों को अपने डिस्प्ले मॉड्यूल पर दिखाना चाह रहे हैं। इनिट कमांड, जो कि हमारे डिस्प्ले मॉड्यूल को इनिशिएट करता है। बैकलाइट कमांड, जो कि हमारे डिस्प्ले की बैकलाइट को शुरू करता है। और प्रिंट का यूज़ करके हम अपने शब्दों को डिस्प्ले पर डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके साथ ही सेट कर्सर से हम जो दिखाना चाह रहे हैं उसका स्थान चयनित कर सकते हैं, तथा आगे वाले कमांड कुछ इस प्रकार की हैं। समान कोड को आपको आर्डुइनो में अपलोड करना है, जिसके लिए आपको टूल्स में जाकर आर्डुइनो यूनो सेलेक्ट करना है एंड पोर्ट सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। हमने पहले से ही अपलोड कर लिया है, जो कि अपलोड करने के बाद हमारा डिस्प्ले मॉड्यूल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप देख पा रहे होंगे कितने साफ और सटीक शब्दों में इस पर लिखा आ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय हमें देने के लिए। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो के नीचे दिए गए विवरण को चेक कर सकते हैं।